कटिहार में भीषण आगलगी की घटना में करीब 50 से 60 घर जलकर स्वाहा हो गया। कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड के झब्बू टोला में यह घटना हुई है। बताया जा रहा है कि अचानक एक घर में आग लगी और धीरे धीरे आग फैल गई, जिससे लोग अपने घर से कोई सामान बाहर नहीं निकाल पाए। इस घटना में लोगों का सब कुछ जलकर राख हो गया और बड़ा नुकसान हो गया। लोग इस बात को लेकर भी आक्रोशित है कि पहले तो दमकल की गाड़ी देर से पहुंची और जब दमकल से आग बुझाने का प्रयास किया गया तब भी स्थिति जस की तस बनी हुई थी। हालांकि स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। हेलो, हम बोले आग लगा हुआ है यहाँ, 20-30 घर जल रहा है, पानी से बुताया जा रहा है। हाँ, झब्बू टोला में बना ही रहे हैं, जैसे अभी बुता रहा था हम फिर लाइव टेलीकास्ट करते थे। कैसी आग लगा यहाँ पे? ओ, बिजली का आग है। कितना घर जला है? 50 से ऊपर। आपका भी घर जला था इसमें? मेरा भी 4-5 घर जल गया सर। क्या क्या सामान जला आपका? पूरे सामान, एक लाख रुपया था जो वो जल गया जी, और 2-3 ठो बकरी भी जल गया है। सामान कुछ नहीं निकल पाए हैं, आदमी भी घायल हो गया। डर का है, हुआ है क्या कुछ? हाँ, एक दो घायले हैं। कुछ लोग भी घायल हैं। कुछ लोग भी घायल हैं। क्या मांग है जिला अहमदाबाद प्रशासन से? अभी तो आया नहीं है, अभी तो आया नहीं है। सीओ साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद करीम। कैसे आग लगा? आग लगा जे हम जो घर से निकाल रहे हैं तो बिजली का आग से देख रहे हैं जब पूरा घर जल रहा है, तो उसके बाद जो है समूचा घर में आग छा गया। देखे मोटा माटी जो मान लो जो 70 घर जला, और उसके बाद 70 घर का कुछ नहीं निकला, सब जल गया। आपका भी घर जला उसमें? हाँ, पूरा। तो कुछ सामान बचा है? नहीं, सामान तो मेरा नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा। पैसा जो मोटा मोटी 1.5 लाख टाका जल गया, और दुकान का सामान था किराना और कपड़ा का, उसमें 2 लाख का जल गया। प्रशासन से क्या मांगे आपका? प्रशासन से क्या मांगेंगे? प्रशासन जो करेगा वही मांगेंगे, जो देगा वही लेंगे। कुछ तो डिमांड होगा ना, क्योंकि घर जल गया, पैसा जल गया, सारा सामान जल गया। सामान पैसा से तो परेशानी होगा, तो अब उसमें जो है बोलने से तो कुछ देगा नहीं, तो बोल दे उसका उम्मीद है जब देगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जमीन लेने के लिए पैसा रखे थे। सीओ साहब भी तो आए थे, कुछ बोल के गए क्या, कुछ आश्वासन दिए? हाँ, वो नहीं, अभी तक कुछ नहीं लिखा रहा है, लिख रहे हैं। हाँ, MD रहमान, पंचायत दक्षिण करमलापुर, वार्ड नंबर 13 से मैं मेम्बर हूँ। और इसका कैसे लगी आग? जो है बिजली का शॉर्ट होने के कारण लगा है जी। और यहाँ क्षति बहुत हुआ है जी। रुपया जो है लगभग 60 लाख के आसपास पहुँच गया होगा, लेकिन अभी गिनती नहीं किए हैं, और हो सकता है। और इसके बाद जो घर जला है 50 से ऊपर, 60-70 भी हो सकता है, लेकिन इस कारण में अभी हम लोग गिनती कर नहीं पाए हैं। अभी भी ऐसे सब इधर उधर करवा रहे हैं, और इधर जो हम लोग अब देख रहे हैं इसका अंदर कुछ घुसा होगा आदमी उदमी। अभी 2 आदमी गायब भी है, नहीं मिला है जी। उसका और 2 आदमी मिला है जी। और हम लोग इससे देखते हैं संपर्क में क्या होता है। और अनाज जो है जिसका घर में था सब जल गया, कुछ खाने का नहीं है। और प्रशासन से क्या मांग है आपका? हमारा प्रशासन से मांग यही है कि यहाँ तक गाड़ी क्यों नहीं आया है, और इसके बाद जो हम लोग को इतना दिक्कत हुआ अभी तक पहुँचा। दमकल की गाड़ी नहीं आई थी? जी नहीं, वो नहीं आई थी, अभी तक नहीं आई है जी। नहीं सर, और एक छोटा वाला आके जब भूतने के बाद आया है, मरने के बाद आया, उस गाड़ी को हम लोग क्या करेंगे? वापस चलाई गई गाड़ी। आग जब बुझ गया था उसके बाद छोटी वाली गाड़ी आई? जी, उसके बाद आया गाड़ी। तो वही आदमी हम लोग को रिपोर्ट मांग रहा है कि हम लोग आए हैं, हम लोग को रिपोर्ट दीजिए। ऐसे नहीं होना चाहिए,
हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए। एक चीज और बताइए, हाँ। तो ये आप ये आग जो बुझाई गई है जी, तो सारा ग्रामीण लोग ही बुझाए? जी जी बुझाई जी जी सर, ग्रामीण लोग से बुझाई, गाड़ी नहीं आई जी? नहीं नहीं नहीं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।